नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, दैनिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 9 जून 2023 कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और इससे पहले आज का पंचांग हम लोग शॉर्टकट में देख ले रहे हैं और डिस्प्ले में आपको उसके बारे में पूरी जानकारी भी दी जा रही है। चंद्रमा की जो गति रहेगी वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात कुंभ राशि में रहेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र अगर आपको पता हो तो ये मंगल का नक्षत्र होता है, और मंगल के नक्षत्र में जब चंद्रदेव जाएंगे तो प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। तो कल कृष्ण पक्ष श्रावण मास कृष्ण पक्ष षष्ठी रहेगी और मेष लग्न वाले जातकों के लिए आय के साधन की बात किया जाए तो आय के साधन में जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव जो रहेगा वो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर संबंधित किसी प्रकार की कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। और जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है तो वार्तालाप करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाला है कल के दिन और कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत अद्भुत और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो शरीर में ऊर्जा का जो है संचार रहेगा, इसलिए अपने बल पर आप कोई भी काम को पूरा कर पाइएगा। माता का भी सहयोग आपको कल के दिन मिलने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कल का जो शुभ अंक है 3 है और शुभ रंग ग्रे है। और कुल मिलाकर जो कल का दिन रहेगा 77% तक अच्छा रहने वाला है। उपाय के लिए देखा जाए तो गणेश भगवान की आपको आराधना करनी चाहिए और गरीबों को अगर कुछ आप दान कर देते हैं कल के दिन तो वो भी आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम वृषभ लगन वाले जातकों की बात करेंगे कल का दिन कैसा बीतने वाला है। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा जिस जगह पर है उसके अकॉर्डिंग कार्यस्थल पर कुछ मतभेद हो सकता है, तो वार्तालाप करते समय कार्यस्थल पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि गुप्त शत्रु का हावी होना भी मैं कल चार्ट में स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, यानी स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी आपके कल 9 तारीख को बनने वाले हैं। सुख की ओवरऑल प्राप्ति बने कि वाहन या मकान से संबंधित कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन आपका श्रेष्ठ बीतेगा, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उसके लिए आपका अच्छा समय रहेगा। और दूसरी तरफ इस समय जीवन साथी भी आपको पूर्ण रूप से सहयोगी रहेंगे और हर तरीके से कहा जाए शरीर में आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कल का शुभ अंक 9 है और शुभ रंग जो है वो ग्रे कलर है। भाग्य मीटर जो है 82% तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अच्छा रहेगा। और उपाय के लिए सफेद रंग के फल या फूल का अगर आप दान कर देते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो सफेद कलर के वस्त्रों का आपको दान करना चाहिए। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए स्पष्ट रूप से देखा जाए तो भाग्य का जो साथ है वो आज नहीं मिलेगा, तो भाग्य के भरोसे कोई भी काम करेंगे तो आपको परेशानी रहेगी। कार्य को लेकर देखिए यात्राओं के योग बन रहे हैं तो कार्य संबंधित अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, इसीलिए इस चीज से आपको बचना चाहिए कि कोई मतभेद ना उत्पन्न हो। और ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी आप कार्य करते हैं, विशेष रूप से ऑनलाइन की बात करें तो उसमें सफलता मिलेगी। संतान से किसी बात पर भी मतभेद हो सकता है, यानी छोटे भाई बहनों के साथ भी मतभेद और संतान के साथ भी मतभेद हो सकता है। संपत्ति से संबंधित कोई भी नया काम ना करें, लेकिन धन संचार के क्षेत्र में
भी बहुत अच्छे समाचार नहीं दिख रहे हैं, कुछ कठिनाई के बाद ही कार्य बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज का जो शुभ अंक है वो 6 नंबर है और शुभ रंग जो है वो हरा है। और ओवरऑल अगर मैं कहता हूँ कल का दिन कैसा बीतेगा तो 77% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए पीले रंग की वस्तुओं का आपको दान करते हुए चलना चाहिए, यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए अगर आप गणेश जी की आराधना कर ले तो और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। कर्क लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो जल वाले क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जल दुर्घटना होने के कारण किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, नहीं तो उदर संबंधित दूषित जल पीने को लेकर परेशानी हो सकती है। किसी बात को लेकर परिवार में मनमुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, तो वार्तालाप करते समय बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जीवन साथी का आज के दिन आपको सहयोग मिलेगा और किसी भी कार्य को आप पूरा कर रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग बना के चलिए। धार्मिक यात्राओं के लिए निश्चित रूप से योग बन रहे हैं, जो लोग धार्मिक क्षेत्र में यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है और संतान से सुख की प्राप्ति होगी। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य भी सामान्य से अच्छा ही रहेगा, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर भी कल के दिन में परेशानी नहीं देख रहा हूँ। लेकिन शुभ अंक अगर कल आप देखिए तो 8 आ रहा है और शुभ रंग जो है नारंगी आ रहा है और ओवरऑल कल का दिन 80% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के लिए ओम नमः शिवाय का जाप आपको करते रहना चाहिए। वैसे भी जो कर्क लगन वाले जातक हैं उनको ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार का जाप करते ही रहना चाहिए। अगले लगन की बात करें अर्थात सिंह लगन वाले जातकों के लिए कल कैसा बीतेगा तो कार्य व्यवसाय में जो है सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है और मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं बॉस आपकी तारीफ करेंगे तो मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें अच्छे परिणाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेत्र पीड़ा कर्ण पीड़ा मतलब ना आंखों में और कानों में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, बेहद आपको ध्यान देना चाहिए। और कोई भी निर्णय अगर आप कल के दिन करना चाहते हैं तो किसी बड़े बुजुर्ग के सलाह को लेने के बाद ही कीजिएगा, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर डिस्प्यूट कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हैं। शुभ अंक कल का 2 और शुभ रंग जो है वो जामुनी कलर रहेगा और कल का जो ओवरऑल मीटर मुझे दिखाई दे रहा है 72% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए सूर्य देव को अगर आप जल दे दें और काले रंग की वस्तुओं का दान कर दें तो कल का दिन और श्रेष्ठ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल वैसे भी देखिए सिंह लगन वाले जातकों को या किसी भी लोगों को सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। कन्या लगन की बात करें तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा कल के दिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य खराब रहेगा अकस्मात कोई खर्च आ जाएगा तो अकस्मात खर्चों के कारण भी परेशानी उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रही है। जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा वो पूरा नहीं मिलेगा, सामान्य सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। धन के संचार में कठिनाइयों का आप अनुभव कर सकते हैं तो प्लानिंग बनाकर ही आपको अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। बड़े भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है, विवाद उत्पन्न हो सकता है तो आपको बड़े भाई बहनों से भी वार्तालाप करते समय ध्यान देते हुए रहना चाहिए। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए, किसी प्रकार के चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है और कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात यात्राओं के योग बन रहे हैं। शुभ अंक कल का 3 दिखाई दे रहा है और कल जो शुभ रंग आ रहा है वो आसमानी आ रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा समय तो कल नहीं कहूंगा लेकिन 70% तक मुझे समय दिखाई दे रहा है कि समय ओवरऑल अच्छा रहेगा। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गणेश जी की अगर आप आराधना कर ले तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे अर्थात तुला लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। तो सबसे पहला जो मुझे चीजें दिखाई दे रही है प्रेम प्रसंग में बहुत सारा उतार चढ़ाव कल के दिन ही देखने को मिलेगा, अर्थात प्रेम संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य में पहले के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो सुधार जरूर होगा लेकिन संपत्ति से संबंधित अगर आप किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं निवेश करने के लिए कर रहे हैं तो वो आज के दिन निवेश किया गया अच्छा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतना चाहिए,
क्योंकि आपके चार्ट में भी चोट चपेट लगने की संभावना दिख रही है। कार्य व्यवसाय में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, अर्थात कार्य स्थल को लेकर अच्छे समाचार दिखाई दे रहे हैं और मान पद प्रतिष्ठा जो है वो भी बढ़ेगी। भाग्य जो है पूरे तरीके से नहीं, लेकिन कहा जाए सामान्य सहयोग मिलेगा। और कल के दिन का जो शुभ अंक आ रहा है वो 5 अंक आ रहा है और शुभ रंग पीला आ रहा है। ओवरऑल क्योंकि बहुत सारी परेशानियां मन मुटाव है तो 65% तक ही भाग्य मीटर दिखाई दे रहा है। और कल के दिन को और श्रेष्ठ अगर आप बनाना चाहते हैं तो ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः, अर्थात शनि के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए तो काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के प्रति कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, एसिडिटी हो सकती है, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। जीवन साथी का आपको सहयोग कल के दिन पूर्ण रूप से मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी फिर एक बार बढ़ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और वार्तालाप करते समय एकदम सावधानी बरती है, ऐसा ना हो कि कुछ अपशब्द निकल जाए और उससे पूरी माहौल जो है बिगड़ जाए। धन के संचार में तो पॉजिटिव मुझे दिखाई रहा है, वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र को लेकर भी जो दिन रहेगा वो ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक कल के लिए 9 निकल के आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो आपका लाल रक्त ब्लड रेड जो होता है वो होता है। कल का दिन जो है कुल मिलाकर 77% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। कल के दिन को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो बेहद अच्छा रहने वाला है। धनु लगन वाले जातकों के लिए संतान से किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, तो संतान के साथ जो वाद विवाद हो उसको आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए और उसके अकॉर्डिंग संतान को समझाइए। प्रेम प्रसंग में भी बहुत अच्छे समाचार कल के दिन नहीं मिलेंगे, किसी बात को लेकर अनबन आपके बीच में रह सकता है। धन के संचार में कहा जाए तो अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और मेहनत करने के बाद जाकर कुछ परिणाम आएंगे कल के दिन। मित्र रिश्तेदारों से सावधान रहिए, वो भी आपको ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा निगेटिव चीजें कल के दिन ज्यादा बन रही है और छोटी दूरी की अगर आप यात्राएं करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और ये यात्राएं जो रहेंगी वो कार्य व्यवसाय से संबंधित यात्राएं हो सकती है, तो कार्य व्यवसाय से संबंधित यात्राएं छोटी अगर है तो उससे आपका काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 7 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग है गहरा नीला जो कलर होता है वो आ रहा है। ओवरऑल कल के दिन देखा जाए तो टोटल 78% तक मैं देख पा रहा हूँ कि दिन अच्छा रहेगा। और कल के दिन को और श्रेष्ठ बनाना हो तो काले रंग के वस्तुओं का दान कीजिए और दुर्गा कवच का अगर आप पाठ करते हैं कल के दिन तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होने वाला है। अगले लगन की बात किया जाए अर्थात मकर लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा, तो 2-3 चीजें यहाँ पर कंफर्म है कि विदेशों में अगर कोई धन रुका हुआ है या गुप्त शत्रु आपके धन को नहीं दे रहे हैं तो धन जरूर आपको मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकता है, किसी प्रकार का कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो पर्सनल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए आपको सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ बदलाव की स्थिति में देख पा रहा हूँ, किसी ना किसी प्रकार का बदलाव रहेगा। सबसे पॉजिटिव पार्ट जो निकल के आ रहा है भाग्य पूर्ण रूप से सहयोग देगा और आय के क्षेत्र में भी जो आप काम कर रहे हैं वो भी उसका भी जो आप प्रयास करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, तो लगातार प्रयास कीजिए। लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए, जल दुर्घटना होने के प्रबल योग कल के चार्ट में दिखाई दे रहे हैं और पराक्रम जो रहेगा वो बढ़ेगा। कल का जो शुभ अंक है 3 है और शुभ रंग काला है। ओवरऑल 72% तक मैं कल दिन अच्छा देख पा रहा हूँ और सबसे अच्छा रहेगा कि कल के दिन उपाय अगर करना है तो शनि का ही अगर आप बीज मंत्र कीजिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो अच्छा रहेगा। और 5 टाइप के अनाज को मिक्स करके अगर पक्षियों को खिलाते हैं तो वो भी आपके लिए कल का दिन अच्छा
बीतेगा, लेकिन जहां पर मतभेद वाली स्थिति है वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए सबसे पहले ही मैं बोलूंगा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी और गुप्त शत्रु से भी परेशानी हो सकती है। अकस्मात आपके कार्य क्षेत्र में वो व्यवधान जरूर करेंगे, इसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत करना पड़ सकता है, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप कल के दिन कोई भी ऑनलाइन कार्य करते हैं तो उसमें लाभ की स्थिति जरूर मिलेगी। संपत्ति से जुड़े हुए, मतलब जो पैतृक संपत्ति है उससे जुड़े हुए किसी कार्य को आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कल के दिन कर सकते हैं। जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा वो सहयोग आपको मिलेगा और ये आपके लिए पॉजिटिव है, और संतान से सुख की भी प्राप्ति होते हुए दिख रही है। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो एक नंबर और जो शुभ रंग है वो केसरिया है, और ओवरऑल क्योंकि कई जगह मतभेद मैं देख रहा हूँ तो 69% तक ही कल का दिन अच्छा होते हुए देख पा रहा हूँ। कल के दिन उपाय के लिए लाल रंग की वस्तुओं का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और दारिद्र्य दुख दहनाए श्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए दारिद्र दुख दहनाए का पाठ करने से जो फंड्स है, रुका हुआ धन है, उसमें आपको काफी सहायता मिलेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन के लिए देखा जाए तो कल का दिन जो सबसे पहला चीज मुझे दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य सामान्य से जो रहेगा वो अच्छा होता हुआ मुझे दिखा है। मतलब स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही, और प्रशासनिक कार्यों से भी अगर आप जुड़ाव रखते हैं, गवर्नमेंट से कोई ऐसा काम करते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसमें आपको लाभ मिलेगा। शारीरिक रूप से जो है आपके अंदर एनर्जी का संचार होगा, ऊर्जावान आप महसूस करेंगे और भाग्य भी पूर्ण रूप से आपका सहयोग देने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद हो सकता है, तो पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार के डिस्प्यूट से अगर आप बचते हैं कल के दिन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है, और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी जो आप कल प्रयास करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। विशेष रूप से वो लोग जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है और वो प्रयास करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग सामान्य ही रहने वाला है, और कल का जो शुभ अंक निकल के आ रहा है 9 नंबर और शुभ अंक जो शुभ रंग है आसमानी रहेगा। कुल मिलाकर दिन अच्छा बीतेगा। 82% तक का मैं स्पीडोमीटर चेक कर रहा हूँ कि 82% तक का समय अच्छा रहने वाला है, और हरे रंग के वस्तुओं का अगर कल के दिन आप दान कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल 9 जून का दैनिक राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।